मेनिंजाइटिस साथियों ऐसी जानलेवा समस्या है जो जिसको हो जाती वह परेशान रहता है। इसका इलाज भी पेनफुल है और इसका रिकवरी भी बहुत पेनफुल है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन फिर भी जो होम्योपैथी में पॉसिबल है, मैं हम आपके लिए कुछ दवाएं लेके आए जो आपकी किन्हीं ना किन्हीं सिम्टम्स से मदद कर सकती हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के विषय में। मेनिंजाइटिस एक जानलेवा समस्या है जो किसी को भी एक मेडिकल इमरजेंसी के रूप में तकलीफ पहुंचा सकती है। तमाम दवाएं होम्योपैथी में आती हैं मेनिंजाइटिस के इनिशियल स्टेज को कंट्रोल करने के लिए। आज हम आपके सामने लाएंगे उन्हीं में से कुछ दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं मेनिंजाइटिस होती क्या है। मेनिंजाइटिस साथियों आपके जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसके इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। यह वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। यह एक कॉमन समस्या है और कुछ हफ्तों में मेनिंजाइटिस खुद ठीक हो जाती है, लेकिन जिनको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या आगे चल के मेडिकल इमरजेंसी के रूप में होती है। तो आप किसी भी तरह के सिम्टम्स को आसानी में ना लें, उसका पूरा इलाज कराएं। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, मरीज़ की नेक में स्टिफनेस आ जाती है। बहुत तेज़ हेडेक होता है, नॉर्मल हेडेक से ज़्यादा हेडेक होता है। फीवर आता है, फटीग आता है, फिट्स पड़ने लगते हैं, एपिलिप्सी के सीजर्स आ जाते हैं। इस तरह की समस्याएं मेनिंजाइटिस में देखी जाती हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन के 3 कारण होते हैं। या तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मेनिंजाइटिस हो सकती है, या वायरल या फंगल। इसमें वायरल सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और लीस्ट हार्मफुल होता है। तो होता है जब आपके ये बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और यह आपके ब्रेन तक इन्फेक्ट हो जाते हैं, या फिर सीधे आपकी स्कल इंजरी या साइनस के कारण सीधे आपके ब्रेन में चले जाते हैं, या ईयर के इन्फेक्शन से आपके ब्रेन में चले जाते हैं। तो यह आपको मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। वायरल मेनिंजाइटिस ज़्यादातर केसेस में अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन समस्या है तो दवाएँ हैं। हम आपको बताते हैं कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ जो आपके मेनिंजाइटिस को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में और ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। उससे पहले साथियों बता दें, मेनिंजाइटिस एक जानलेवा कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। कुशल चिकित्सक से पूछ कर ही कोई भी दवा लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं मेनिंजाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। एक साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है जिससे मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट का हम अपने क्लिनिक पे इलाज शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और वह दवा है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक खुराक केवल एक बार इलाज शुरू करने पर देने पर हमने निजी तौर पे देखा है कि क्लिनिक पे मरीजों को अत्यधिक लाभ होता है। ये पर्सन टू पर्सन सिम्टम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ट्यूबरकुलिनम की खुराक देकर मरीज को यहाँ शुरू करता हूँ, क्योंकि ट्यूबरकुलर डायस्थेसिस ही मेनिंजाइटिस में होती है और उस फीवर होता है, उस फीवर की सबसे अच्छी दवा ट्यूबरकुलिनम है। पहली स्थिति साथियों आती है मेनिंजाइटिस में कि किसी मरीज को मेनिंजाइटिस हुआ है और उनके थ्रॉबिंग टाइप पेन हो रहा है, मतलब पैल्पिटेशन वाला, धड़कन वाला पेन हो रहा है और चेहरा लाल हो गया और फीवर है, सिम्टम्स की इंटेंसिटी है, अचानक आते हैं, सडनली द सिम्टम्स कम, रिमेन फॉर सम टाइम एंड देन दे गो। तो इस तरह का अगर क्राइटेरिया हो तो इसकी बहुत अच्छी दवा और मेनिंजाइटिस की फर्स्ट स्टेज की बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर किसी मरीज को मेनिंजाइटिस की शिकायत है, उनको फीवर बहुत तेज़ आ रहा है, चेहरा उनका लाल हो रहा है और उनके हेडेक हो रहा है, उस स्थिति में बेलेडोना आपकी हेल्प करेगी। एक साथियों ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की बहुत अच्छी दवा है,
क्योंकि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस सबसे बड़ा एक मेडिकल इमरजेंसी वाला परेशानी का कॉज होता है। तो अगर यह किसी स्थिति है तो इसमें आप एक दवा कंसिडर कर सकते हैं, वह है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देके मेनिंजाइटिस में राहत देगी। एक स्थिति साथियों मेनिंजाइटिस में आती है कि मरीज के सर के पीछे की तरफ बहुत दर्द हो रहा है। अगर आपके हेड के बैक साइड में बहुत दर्द हो रहा है और आपको मेनिंजाइटिस की शिकायत है तो आप एक दवा को कंसिडर कर सकते हैं जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। एपिसमेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको डिलीरियम की शिकायत हो, प्यास ना लग रही हो, हेड के पीछे की तरफ आपके पेन हो और आपको मेनिंजाइटिस हो। अगर यह समस्या हो तो एपिसमेल एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है आपको ठीक करने के लिए। एपिस में रैशेज भी बॉडी में आ जाते हैं तो अगर यह भी सिम्टम हो तो आप एपिस ले सकते हैं। एक स्थिति साथियों मेनिंजाइटिस में आती है कि मरीज को स्पास्मोडिक कन्वल्जन्स होते हैं, उनको कन्वल्जन्स आते हैं और वो पलंग पे इधर से उधर रोल करके भागता है, करवटे लेता है इधर से उधर, इस तरह की एक्टिविटी करता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की और मरीज को राहत देने की बहुत अच्छी दवा है ओपियम। ओपियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा मरीज को लाभ देगी और स्वस्थ करके मरीज के जीवन को आसान बनाएगी। एक स्थिति साथियों मेनिंजाइटिस में आती है नौजिया की। अगर किसी मरीज को नौजिया है, मतलब खाना देख के उकाई आ रही है, उसको मेनिंजाइटिस की स्थिति है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके जो नौजिया है उसको भी ठीक करेगी और आपके मेनिंजाइटिस को भी ये सिम्टम मैच करने पे लाभ देगी। एक स्थिति साथियों मेनिंजाइटिस में आती है कि मरीज बेहोश हो जाता है, उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि वह बेहोश हो जाता हो, अनकॉन्शियस हो जाता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की, मरीज के मेनिंजाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है विरेट्रम विरिडी। विरेट्रम विरिडी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी और मरीज के अनकॉन्शियस नेचर को ख़त्म करके उसको होश में लाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी मरीज को बहुत तेज़ बुखार आ रहा हो, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो और उसको मेनिंजाइटिस की शिकायत हो। तो अगर यह समस्या हो कि किसी को हाई ग्रेड फीवर हो उसको मेनिंजाइटिस की शिकायत हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है विरिडम वीडी। आप विरिडम वीडी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा हाई ग्रेड फीवर को भी कंट्रोल करेगी और मेनिंजाइटिस को ठीक करने में भी मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों जब मरीज धूप में निकलता है और उसको गुस्सा बहुत आता है तो उसके सर में दर्द होने लगता है। तो अगर यह स्थिति हो किसी मरीज को कि वो धूप में निकलता हो और गुस्सा बहुत आता हो तब सर में दर्द होता हो तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में एकोनिटम नेप्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर उस मरीज को दे सकते हैं मेनिंजाइटिस के केस में जिसको गुस्सा आता हो, जिसको डर लगता हो और धूप में निकलने से उसकी तकलीफ बढ़ती हो, तो यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है जब मेनिंजाइटिस की शिकायत किसी मरीज को हो और उसको बहुत ज़्यादा डलनेस डिजीनेस आ गई हो, पलंग पे पड़े ही रहना चाहता हो, हिलना ना चाहते हो। तो अगर ये स्थिति हो कि मरीज अपनी जगह से हिलना ना चाहता हो और उसको मेनिंजाइटिस हो और वो बेड रिडन रहना ही चाहता हो तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है जलसीमियम सेमीपरवाइनम। जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा मेनिंजाइटिस को भी उस स्थिति में ठीक करेगी अगर मरीज को डलनेस डिजीनेस ड्राउजीनेस वीकनेस है, उसको प्यास नहीं लगती और वो पलंग पे पड़े ही रहना चाहता है, लेटे ही रहना चाहता है, तो उस स्थिति में यह बहुत अच्छी दवा है जो आपको लाभ दे सकती है। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को मेनिंजाइटिस हो और उसकी कान बहने की हिस्ट्री हो, उसको कभी कान बहता रहा हो, कान से मवाद आता रहा हो, उसको मेनिंजाइटिस हो गया हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क सॉल्युबिलिस। मर्क सॉल्युबिलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं। उस मरीज को राहत मिलेगी और वह ठीक होगा।
एक स्थिति साथी आती है मेनिनजाइटिस में किसी मरीज को कि नेक बिल्कुल स्टिफ हो गई, हिल ही नहीं पा रही है गर्दन, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन अंदर मेम्ब्रेन का हो गया है मेनिनजाइटिस में कि आपके हिल ही नहीं पा रही है गर्दन। तो अगर यह स्थिति हो, एक एक्सट्रीम केस हो मेनिनजाइटिस का, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हेलिबोरस नाइगर। आप हेलिबोरस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस तकलीफ को भी कम करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति आती है मेनिनजाइटिस के मरीज को एक सेंसेशन होता है, वह सेंसेशन होता है कि सर एक्सपेंड कर जाएगा, सर हमारा गुब्बारे की तरह बढ़ा जा रहा है। तो अगर यह स्थिति किसी मरीज को हो साथी हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा उस सर के एक्सपेंशन को, जो बलून ऐसा होता है, उसको भी राहत देगी और मरीज को भी लाभ देगी। एक स्थिति साथी आती है मेनिनजाइटिस के केस में कि किसी को मेनिनजाइटिस हो और उसको बॉडी में बहुत स्टिफनेस आ गई हो, वो चल ना पा रहा हो, और जब थोड़ा चल लेता हो तो उसको आराम मिलता हो। तो अगर किसी के मेनिनजाइटिस का किसी मरीज को दिक्कत हो और उसके बॉडी में स्टिफनेस हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 1 mg पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसा मरीज ले सकता है जिसको बॉडी में मसल्स में स्टिफनेस हो और चलने से उसको आराम मिलता हो। तो यह दवा उसको लाभ देगी और उसको जल्दी से ठीक करेगी और मेनिनजाइटिस को ठीक करके जानलेवा कंडीशन से उसको बाहर करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को मेनिनजाइटिस है और वह बहकी बहकी बातें कर रहा है। जब उसको थोड़ा आराम मिल गया तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट जा रहा है, थोड़ी लेसिवस मीनिया की बात कर रहा है, इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर यह स्थिति हो, तो ऐसे मेनिनजाइटिस के केस के मरीज के लिए बहुत कारगर दवा है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है जिसको कि लेसिवस मीनिया हो और स्टूपिड टॉक कर रहा हो, तो हायोसाइमस ऐसे मरीज के लिए बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है साथियों मेनिनजाइटिस में कि सर में उसके बिल्कुल बोरिंग पेन हो रहा, छेद कर देने वाला पेन हो रहा, लगता है ड्रिल सर में लगा दी गई। तो अगर इस तरह का हेडेक हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है जिनकम मिटालिकम। आप जिनकम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके सर के बोरिंग पेन को ख़त्म करेगी और आपको मेनिनजाइटिस में भी रिलीफ देगी। मेनिनजाइटिस का साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है सर में चोट लगना। जब सर में चोट लगती है तो आपका जो ब्रेन का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, तो ये भी एक मेनिनजाइटिस का कारण होता है। तो अगर किसी को ब्रेन में चोट लगी हो और उसके बाद मेनिनजाइटिस हो गया हो, तो उस मरीज को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्निका। आर्निका 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसा मरीज ले सकता है। इससे उसके चोट भी ख़त्म होगी, मेनिनजाइटिस भी ख़त्म होगी और जो मेनिंग्स का इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की कवरिंग का, वह भी ठीक होकर उस मरीज को राहत मिलेगी। साथियों एक सिम्टम आता है मेनिनजाइटिस में कि जब स्थिति आती है कि किसी को रूमेटिज्म की शिकायत हो, उसके रूमेटिक पेन उठता हो और साथ में उसको मेनिनजाइटिस हो गया हो। तो अगर किसी को रूमेटिक पेन होता हो और साथ में मेनिनजाइटिस हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं। जब मरीज को रूमेटिक पेन है और चलने से उसकी तकलीफें बढ़ती हैं, आराम करने से उसको तकलीफों में भी आराम मिलता है, तो अगर यह सिम्टम हो, तो ब्रायनिया एल्बा ऐसे मरीज की मेनिनजाइटिस के केस में ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज चिल्लाता है, उसके हाथ आपस में भिज जाते हैं, क्लेंच हो जाते हैं, वो दर्द के मारे चिल्लाता है, तकलीफों के मारे चिल्लाता है। तो अगर यह सिम्टम मेनिनजाइटिस में हो जाए साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्यूप्रम मिटालिकम। क्यूप्रम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर मरीज को दे सकते हैं जिसको कि क्लेंचिंग ऑफ हैंड हो गया है और वो स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है तकलीफों के मारे, उस केस में क्यूप्रम मेट मेनिनजाइटिस की एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। ये साथियों को दवाएं थी मेनिनजाइटिस की। यह साथियों एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए कोई दवा ना लीजिएगा। ये दवाएं आपको उम्मीद बंधाने के लिए थी, आशा बंधाने के लिए थी कि होम्योपैथी में ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस की दवाएं आती हैं,
लेकिन इनको कैसे लेना है, कब लेना है, ये कुशल चिकित्सक ही आपको बताएगा। इसलिए कोई भी दवा उसे प्रिस्क्राइब करा के ही लें। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर नोटिफिकेशन पैनल में दिया हुआ है। और आपसे निवेदन है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यहीं प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत साधुवाद।